दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज सम इंट्रीगिंग फैक्ट्स वुड बी पुट फोर थ बहुत महत्वपूर्ण हकीकत फैक्ट्स आज देश के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी आप सबने देखा कि बीस वर्षों तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से विषपान किया किस प्रकार से उनके ऊपर सन 2002 के गुजरात दंगों को लेकर झूठे आरोप झूठे आक्षेप लगाए गए और कल किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दिया इस विषय में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आदरणीय गृह मंत्री जी को भी हमने आज विस्तार में सुना है बंधुगण कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन कल दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल ऑब्जर्वेशन अपितु लिखित वर्डिक्ट भी दिया है मैं उनमें से कुछ अंश आपके सामने रखूंगा क्योंकि आज न्यूज ने दिखाया है कि कुछ लोग डिटेन हुए तीस्ता सितलवार इत्यादि कुछ लोग आज डिटेन हुए हैं वो क्यों डिटेन हुए हैं उनके पीछे किस प्रकार का एक षड्यंत्र का जीवन उनका रहा है ये सारे कच्चे चिट्ठे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी अपने केस को रखेगी कल सर्वोच्च न्यायालय ने, ने कहा द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर द लास्ट सिक्सटीन ईयर्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन सोलह वर्षों से यह जो केस चल रहा था कहीं ना कहीं एक अल्टीरियर डिजाइन अर्थात षड्यंत्र के अंतर्गत चल रहा था और इस विषय को जीवित रखने के प्रयास से चल रहा था कोर्ट ने आगे कहा ऑल दोज इन्वॉल्व इन सच अब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन द डॉक एंड प्रोसीडेड विथ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने खिलवाड़ किया जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे उनको भी कानून के मुताबिक न्यायालय के समक्ष आना होगा और कानून का सामना करना पड़ेगा दे हैव टू बी इन द डॉक अर्थात ऐसा नहीं है कि वो इतने वर्षों तक षड्यंत्र करते रहेंगे और बच के निकल जाएंगे जो उन्होंने किया है उसका कर्म फल इस देश के कानून के हिसाब से उन्हें भी भुगतना पड़ेगा तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इट अपियर्स टू अस दट क्वेलिस्ट एफर्ट ऑफ द डिसग्रंटेड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात अलोंग विद अदर्स वॉज टू क्रिएट सेंसेशन बाई मेकिंग रिविलियशन विच वॉल्स टू देर ओन नॉलेज कुछ ऑफिशियल्स और कुछ अदर्स तीसता सितलवाट जैसे कुछ लोग और कुछ ऑफिशियल्स जो आज डिटेन हुए हैं इन लोगों ने एक छद्म कहानी बनाई एक फॉल्स नरेटिव बनाया जानते हुए बनाया कि ये सारी चीजें झूठी हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा तीसता सितलवाट का नाम भी लिया है अपने जजमेंट में और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में लिखा है मैं पढ़ता हूं कोर्ट एंटीसीडेंट्स ऑफ तीस्ता सितलवाड नीड टू बी रिकॉन्ड विथ एंड ऑल्सो बिकॉज शी हैज बीन विंडिक्टिवली प्रोसिक्यूटिंग दिस लिस ब्रैकेट में डिस्प्यूट फॉर हर अल्टीरियर डिजाइन बाई एक्सप्लॉइटिंग द इमोशंस एंड सेंटिमेंट ऑफ जाकिया जाफरी द रियल विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता सितलवाड के एंटीसीडेंट्स की जांच करनी होगी पता लगाना होगा कि यह तीस्ता सितलवाड़ जिसने इस डिस्प्यूट को इतने लंबे खींचने की कोशिश की और जो विक्टिम थे उनके इमोशंस का प्रयोग करते हुए उसने अपने अल्टीरियर डिजाइन अर्थात अपने षड्यंत्र को उसने अंजाम दिया तो तीस्ता शीतलवाड के पीछे जो षड्यंत्र था नीड टू बी रिकॉन्ड उसका पता लगाना होगा तो आज ये जो पता लगाने की प्रोसेस चल रही है बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका आज देश के सामने हम जवाब रखना चाहेंगे आई हैव नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स समय कम है मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पढ़ नहीं सकता मगर किस प्रकार से तीस्ता सितलवाड एंड कंपनी ने देश को बरगलाने का काम किया गुजरात के दंगों को लेकर मैं कुछ उदाहरण रखूंगा जाकिया जाफरी किसके निर्देश पर काम कर रही थी उनको डिक्टेशन कौन दे रहा था और केवल जाकिया जाफरी नहीं कई ऐसे विटनेस थे देश में गुजरात दंगों को लेकर जिनको ट्यूटर और डिक्टेशन देने का काम सितलवाड की जो एनजीओ थी वो एनजीओ कर रही थी और बड़ा आश्चर्य का विषय है मैं कुछ उदाहरण दूंगा आप सब इस उदाहरण को जानते हैं कौसर बानो नाम आपने सुना होगा कौसर बानो वो महिला थी जो एक नरेटिव बनाया गया कि शी वॉज प्रेग्नेंट, और छुरी से उनके गर्भ को काट करके बच्चे को मार दिया गया और यह फैलाने का काम इस नरेटिव को फैलाने का काम तीस्ता सितलवाडन कंपनी ने किया था बाद में यह पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि उनकी डेथ कौसर बानू की डेथ जलने से हुई थी और यह पूरी की पूरी कहानी फर्जी थी ठीक उसी प्रकार नानूमिया मालिक ये नरोदा गांव केस में है उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मदीना एक महिला जो शादीशुदा थी और उनका जो रेप राइटर्स ने किया है दंगाइयों ने जो रेप किया है ये पूरी मनगढ़ंत कहानी तीस्ता से सितलवाड की थी बट मालिक टोल्ड द एस आई टी दट मदीनाज रेप वॉज एन द बिहेस्ट ऑफ से सितलवाड मदीना हैज आल्सो डिनाइड द चार्ज ये एक लीडिंग अखबार ने और एक लीडिंग न्यूज एजेंसी ने चापाबाद में ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं बेस्ट बेकरी केस में यासीम बानू शेख ये एक प्राइम प्रोसिक्यूशन विटनेस जो बेस्ट बेकरी केस में उन्होंने अपने एफिडेविट में 2010 में चीफ जस्टिस मुंबई को लिखा स्पष्ट रूप से कि तीस्ता ने मुझसे फॉल्स जबरदस्ती लिया मुझे पैसे का प्रलोभन देकर और मुझे मिसगाइड करके बाई लियोरिंग एंड मिसगाइडिंग मी तीस्ता सितलवाड मेड मी गिव फॉल्स टेस्टिमनी इन द बेस्ट बेकरी केस यान बानो शेख आप सोचिए किस प्रकार से ये जो विटनेसेस थे उनको ट्यूशन करने का काम उनसे झूठ बुलवाने का काम तीसता सितलवाड कंपनी कर रही थी ठीक उसी प्रकार श्री चेतन कुमार गोर जो वडोदरा के हैं उन्होंने भी कंप्लेंट दिया है कि उनसे भी झूठ बुलाया गया एक बहुत प्रसिद्ध केस रहा रायस खान पठान रियाज खान पठान का केस आप सभी जानते हैं रियाज खान पठान ने भी जो कि पहले तीसता सितलवाड के एम्प्लॉय थे वो तीस्ता सतलवाड़ की एनजीओ में काम करते थे उन्होंने 2010 में कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को एक कंप्लेंट लिखा जिसमें उन्होंने कहा ऑलमोस्ट ऑल एफिडेविट्स फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस अदर बाय में प्रिपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द विटनेसेस एंड ही टू सेंड हिज फुल्ली प्रिपेर्ड एफिडेविट्स टू हिम इन हिज ई अकाउंट्स फॉर नोटराइजेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव विटनेसेस विटनेसेस वर नॉट अलाउड टू टेक कॉपी ऑफ दीज एफिडेविट्स एम्प्लॉय थे पठान तीसरा तलवाड के और वो कहते हैं कि झूठे एफिडेविट बना के विटने से झूठे एफिडेविट बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिए जाते थे और उसकी एक प्रति एक कॉपी तक विटनेस को नहीं दिया जाता था ताकि विटनेस जान न सके कि उससे क्या स्टेटमेंट लिया गया है जाहिद खादरी केस जाद खादरी जो कि मुस्लिम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिनके लड़के की हत्या हुई थी दंगों के दौरान अनफॉर्चुनेट उन्होंने खुद कंप्लेन करके कहा है किस प्रकार से तीसता सतलवाड मिस गाइडेड पुअर मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कलेक्टिंग मनी इन द नेम ऑफ हेल्पिंग राइट विक्टिम्स खुद कहते हैं जाहिद कादरी एक चिट्ठी में कि गरीब मुसलमानों को झूठ बोल करके उनसे पैसे एटने के चक्कर में किस प्रकार झूठे काम तीसता सितलवार के एनजीओ ने कराए हैं यह खुद आपके सामने यह चिट्ठियां प्रस्तुत मैंने किया है अब केवल यही पक्ष नहीं था कि तीसता सितलवाड विटनेसेस को मिसगाइड कर रही थी बिना विटनेसेस के जाने उनके एफिडेविट सबमिट कर रही थी और न्याय प्रणाली पर चोट कर रही थी आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीस्ता सितलवाड की जो दो एनजीओ तीस्ता सितलवाड और उनके पति जावेद इनके दो एनजीओ थे इन दोनों एनजीओ ने एक एनजीओ का नाम है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और दूसरे एनजीओ का नाम है सबरंग ट्रस्ट इन दोनों एनजीओ ने जिस प्रकार का गबन का काम गबन का काम किया है वो जान के आप सिहर उठेंगे और अब जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आप देख सकते हैं क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर नंबर भी है 2014 का यह पूरा का पूरा हाई कोर्ट का केस में पढ़ने वाला हूं इन द कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद यह कोर्ट का केस में पढ़ूंगा क्या टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है मनी विच फॉर द पुअर एंड द नीडी हैव बिन मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द एप्लीकेंट्स फॉर देयर ओन मेटेरियलिस्टिक प्लेजर भौतिक आनंद के लिए एंड कंफर्ट ह्यूज अमाउंट हैज बीन यूज फॉर द परचेस ऑफ आइटम्स लाइक सुनिए वाइन शूज हॉलिडे रिसॉर्ट्स, एयर टिकेट्स एक्सेट्रा ये सब खरीदने के लिए जो पैसे आपने मुसलमानों के नाम पे इकट्ठे किए थे इन चीजों पे खर्च किया गया पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स ब्रीफ डिटेल ऑफ प्योरली पर्सनल एक्सपेंडिचर मेड बाय पेटिशनर नंबर टू फ्रॉम द फंड्स ऑफ सबरंग ट्रस्ट ये पेटिशनर नंबर वन और टू The data received from the Union Bank of India shows that substantial amounts were spent by petitioner number two was towards shopping, entertainment, foreign goods purchase, domestic requirements, and others, hair saloon expenses, Mona Lucky stores, Reliance Fresh, Beauty Stores, Cottage Industries, Royal Fashion Corner, Medicines, Cakes, Shoes. फ्रॉम ये कौन सी कंपनी है वोगेल शूज जिन्नी ये हम लोग भी नहीं जानते हैं मतलब कुल मिलाकर के करोड़ों खरबों रुपए गरीबों के नाम पे आप कलेक्ट करिए और इन करोड़ों रुपए को अपने ऐसो आराम के लिए उड़ाएं ये हम नहीं कह रहे हैं ये कोर्ट कह रही है पैराग्राफ नंबर एट पेज नंबर थर्टी सेवन कोर्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ द थर्टीन विटनेसेस रिकॉर्डेड टिल डेट क्लियरली इंडिकेट ट नॉट ए सिंगल रुपीज रिसीव बाई देशियल एड और रीहेबिलिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम म्यूजियम बनाने के नाम पर गुलबर्ग सोसाइटी जिसके विषय में आज ये चर्चा हो रहा है उनके बासिंदों से हजबेंड वाइफ तीसता सितलवाड और जावेद जी ने पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों का क्या किया क्या वहां म्यूजियम खोला क्या गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को एक अठन्नी चवन्नी देकर उनकी मदद की नहीं The statements of the 13 witnesses recorded till date clearly indicate that not a single rupee is received by them towards financial aid or rehabilitation or construction of museum investigations has revealed that it is only after the publication of interviews photographs articles relating to Gujarat rights and more particularly after the massive campaign in 2008 onwards for collecting funds for establishment of museum of resistance for the gulberg society that funds टेड फ्लोइंग इन टू द टू एनजीओज इन क्रोर्स फोर्टी फोर परसेंटेज ऑफ विच इन दबरंग ट्रस्ट एंड थर्टी फाइव परसेंटेज ऑफ द सीजेपी ट्रांसफर्ड टू द पर्सनल अकाउंट ये पैसे गरीबों से लेकर के पर्सनल अकाउंट में गए आप सोच के देखिए और मैं आपको बता दू दो हजार दस से लेकर दो हजार तेरह के बीच में यह सबरंग ट्रस्ट को सोनिया गांधी जी के कहने पर तत्कालीन यूपीए की सरकार ने और पर्टिकुलरली एचआरडी मिनिस्ट्री ने एजुकेशन के नाम पे लगभग 1.4 करोड़ रुपया दिया था और आपको जान के आश्चर्य होगा एजुकेशन पे खर्चा करना था मगर ये लगभग डेढ़ करोड़ रुपए जो सोनिया गांधी जी के कहने पर दिया गया था तीस्ता सितलवाड़ को तीस्ता सितलवाड़ ने पेम्पलेट मोदी जी के खिलाफ पेम्पलेट बांटने में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए वो भी सब मैं पढ़ूंगा अभी कि किस प्रकार पाकिस्तान गए हैं उस पैसों से पाकिस्तान में जाकर वहां उन्होंने इंडिया के खिलाफ बदनामी का काम किया है यह सब भी बताऊंगा कोर्ट अंत में कहती है आपको जान के आश्चर्य होगा द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड जज साहब कहते हैं हैव थ्रू द मेटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड आई नोटिस समथिंग वेरी शॉकिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली सैड मैं बहुत दुखी हूं ये जज कहते हैं बहुत शॉक्ड हूं There are serious allegations against the applicants of misuse and misappropriation of huge amount received by them through various donors. The money which should have gone to the poor and the needy appears to have been prima facie misused for their personal pleasure and comfort.

ये पूरे पैसे उड़ाए और क्या क्या काम किया है आज फाइल समाप्त नहीं होगी इतनी मोटी है बीस साल से ये सत्य भी इकट्ठा होता जा रहा है आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीसता सितलवाड अकेली नहीं थी हु ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड तीसता सीतलवाड ये जो लोग जिन लोगों ने न्याय प्रणाली के साथ धोखा किया ये जो लोग जिनकी अल्टीरियर डिजाइन थे जिनके विषय में कल सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी मैं सोनिया गांधी क्यों कह रहा हूं वाई वॉज सोनिया गांधी द ड्राइविंग फोर्स आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की जो एन थी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सोनिया गांधी ने बनाया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल उसकी एक सदस्य तीसता सितलवाड भी थी और बंधुगण सोनिया गांधी जी ने तीसता सितलवाड जी से स्पेशल आग्रह किया था कि जो कम्युनल वायलेंस बिल प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेरेशन बिल टू इसमें तीसता सितलवाड बढ़ चढ़ के भाग ले और उसको ड्राफ्ट करने में मदद करे आपको क्या लगता है यह करोड़ों रुपए का गबन झूठ फरेब जब तक की फर्स्ट फैमिली का सपोर्ट ना हो जब तक की सरकार का सपोर्ट ना हो यह संभव था क्या बिल्कुल नहीं बंधुगण आरबी श्री कुमार पूर्व डीजी गुजरात के उनका नाम भी आया है आप सब जानते हैं अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण केस चला जिसने हम सबको शर्मसार किया इसरो के एस केस के विषय में एस नंबी नारायणन बुजुर्ग हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने देश के लिए काम किया जिस प्रकार से उनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके उन्हें फंसाने का और उन्हें मलाइन करने का काम आर बी शिव कुमार ने किया सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने आर बी शिव कुमार को भी आ, अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया है तो स्वाभाविक है ये षड्यंत्र केवल गुजरात के खिलाफ नहीं ये जो षड्यंत्रकारी थे ये षड्यंत्रकारी भारत के हर फ्रंट में षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और आज अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है कि दे वॉन्टेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग एंड दे हैव टू बी ब्रॉट टू द डॉक उन्हें भी सामने आना होगा और उन्हें भी इस न्याय चक्र को देखना होगा उसका सामना करना होगा इसलिए बंधुओं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के इतने बड़े पब्लिक लाइफ से मोर देन ट्वेंटी इयर्स जो पब्लिक लाइफ उनकी है पूरे इस पब्लिक लाइफ में नरेंद्र मोदी जी वॉज अंडर स्क्रूटिनी फंसाने डराने धमकाने झूठे एलिगेशन में फंसाने की चेष्टा उन्हें की गई एक पल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धैर्यच्युत नहीं हुए कभी भी धीरज नहीं खोया उन्होंने और ही हैड कंप्लीट फेथ इन द सिस्टम जुडिशरी में कंप्लीट फेथ दिखाया कभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं कहा कि एस के बाहर आके टायर जलाओ और यहां दंगा करो ऑपोजिशन से आज यही गुजारिश है कि नाउ इट इज योर टर्न टू फेस द ट्रुथ बिकॉज रिमेंबर ट्रुथ हैज दिस अनकैनी हैबिट ऑफ शोइंग अप इट्स हेड कभी ना कभी सत्य सामने आकर ही रहता है सत्य को छिपाया नहीं जा सकता सत्य को मिटाया नहीं जा सकता सत्य को डराया नहीं जा सकता बहुत बहुत धन्यवाद बंधु कोई प्रश्न हो इसी विषय पे तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद